सो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि IRL के 43वें एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी जी ने 5G के इंडिया में लॉन्च करने के रिलेटेड काफ़ी अनाउंसमेंट किए हैं। साथ ही जियो में गूगल के निवेश करने की भी अनाउंसमेंट हुए हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं और 5G इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक रोज पर। जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेक वीडियोज मिलते रहें। सो दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में रेस चल रही है और हुआवे जैसी कंपनीज इंडिया में 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बायकॉट चाइना के चलते ये कंपनी रेस से बाहर हो चुकी है। मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि 4G से 5G में अपग्रेड करना काफी आसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जियो ने स्केच से कंप्लीट 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, इससे भारत भर में वर्ल्ड क्लास 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी। 5G सॉल्यूशन 100% भारत में ही बनाया गया है। ये भी अनाउंस हुआ है कि 5G लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को डेडिकेट किया जा रहा है, इसलिए इसे मेड इन इंडिया 5G नाम दिया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि भारत में 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध ना हो जाए। नेक्स्ट ईयर तक रिलायंस जियो 5G सॉल्यूशन डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होगा। मुकेश अंबानी का टारगेट भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी 5G लॉन्च करने का है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ का निवेश करेगी, जिसके बदले जियो गूगल को 7.7% की हिस्सेदारी देगा। रिलायंस ने यह भी अनाउंस किया है कि एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन्स को लेकर आएगी। गूगल के साथ मिलकर रिलायंस एक एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करेगी और काफी सस्ते 4G एंड 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगी। साथ ही हर भारतीय के हाथ में सस्ता स्मार्टफोन देने की कोशिश भी करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को 2G मुक्त बनाया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हुए हैं अनाउंसमेंट, अब देखते हैं 5G इंडिया के अंदर कब तक आ जाता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टैक वीडियोज मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।